हाय हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्पाइसी प्लेटर कुकिंग चैनल में मैं किंजल जोशी एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। गुब्बारे की तरह फुले हुए और बहुत ही आसान तरीके से बनने वाले साबुदाने की वड़ी की रेसिपी आज हम देखने वाले हैं। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। 2 कप साबुदाना लिया हुआ है, जिसे मैं अब 2 से 3 बार पानी से अच्छे से धो लूंगी। 3 बार पानी से धोने के बाद मैंने इसमें 2 ग्लास पानी ऐड कर दिया है। हमें 15 मिनट तक इसे डुबोए रखना है, फिर मैंने सारा पानी इसमें से निकाल लूंगी और 3 घंटे तक रख दूंगी। ठीक रहा है तब तक आइए हम मूंगफली सेक लेते हैं। तो गैस पर मैंने चढ़ा दी है, मीडियम फ्लेम पर ही हमें इस मूंगफली को सेकना है दोस्तों। तो ये देखिए हमारी मूंगफली सेक चुकी है, तो आइए इसके छिलके निकाल लेते हैं। मैंने सारी मूंगफली के छिलके निकाल लिए है, अब हमें इसे मिक्सी जार में डाल के क्रश करना है। आप देख सकते हो हमें इस तरह का दरदरा सा पाउडर बनाना है, ज्यादा बारीक पाउडर हमें नहीं बनाना है। चुके हैं, आइए हम साबुदाना चेक कर लेते हैं। वाओ, ये देखिए एक एक दाना बहुत ही खिला खिला सा है, ये बिल्कुल भी आपस में चिपका नहीं है। और आप दबाकर भी देख सकते हो कि ये अच्छे से भीग भी चुका है। ये देखिए इस तरह से आप बनाओगे तो कभी भी आपके साबुदाना नहीं चिपकेंगे। मैंने इन भीगे हुए साबुदानों में से 1 बाउल भर के साबुदाना अलग निकाल लिया है, क्योंकि मैं उसकी दूसरी रेसिपी बनाने वाली हूँ और बाकी के साबुदानों में हम मसाला ऐड करेंगे। मैंने मीडियम साइज के 3 आलू लिए हुए थे, जिसे मैंने बॉईल कर लिया था और मैशर की सहायता से अब मैं इसे मैश कर रही हूँ। आप ध्यान रखें कि आलू में ज़्यादा मॉइस्चर ना हो, नहीं तो हमारे वड़े बहुत ही चिपचिपे से बनेंगे। इस तरह से हमें सारे आलुओं को मैश कर लेना है। आप देख सकते हो मैंने कर लिया है। अब इन आलुओं को मैं जो हमारे भिगे हुए साबुदाने थे उसके अंदर ऐड कर दूंगी। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब इसके अंदर हमने जो मूंगफली का चूरा बनाया हुआ था उसे ऐड कर देंगे 1 कप। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, आप चाहो तो सेंधा नमक भी यूज कर सकते हो। कुछ हरे धनिया के पत्ते ऐड किए हैं। अब इसके अंदर मैं 1/2 नींबू का रस ऐड कर रही हूँ और 1 चम्मच मैंने शुगर ऐड करी हुई है। दोस्तों शुगर टोटली स्किपेबल है, अगर आप ना यूज़ करना चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। 1 चम्मच हरी मिर्च की पेस्ट ऐड कर देंगे। अब सभी इंग्रेडिएंट्स को हाथों की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसमें शुगर ऐड करी है क्योंकि मुझे इसका खट्टा और मीठा दोनों मिक्स टेस्ट बहुत ही पसंद है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी को। मिक्सचर अब बनकर रेडी हो चुका है, तो मैंने थोड़ा सा हिस्सा अपने हाथों में ले लिया है। आप देख सकते हो कि हमारा मिक्सचर ज़्यादा चिपचिपा सा नहीं है, ऐसा ही मिक्सचर होना चाहिए। और अच्छे से टिक्की का शेप हम दे देंगे कुछ इस तरह से। एक एक करके हमें इस सारे मिक्सचर की टिक्कियाँ बना लेनी है, आप देख सकते हो। लेकिन हमें खास बात का ध्यान रखना है कि किनारे अच्छे से सील होने चाहिए, फटे हुए नहीं होने चाहिए। पहला बैच तलने के लिए अब रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो। मैंने तेल ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिया था, आप देख सकते हो मैंने एक एक करके सारी टिक्कियों के अंदर ऐड कर दिया है। अब हमें इसे सुनहरा गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेना है और गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है, ज़्यादा तेज़ आंच हमें नहीं रखना है। धीरे धीरे करके हमें सारी टिक्कियों को तल लेना है। इसे तलने में तकरीबन 4 से 5 मिनट का वक्त लगेगा दोस्तों। आप देख सकते हो कि हमारी टिक्कियाँ कितनी अच्छी तरह से फूल चुकी है। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से हमारा मिक्सचर प्रिपेयर हुआ था, इसीलिए ये बिल्कुल भी फटी नहीं है और बहुत ही अच्छी तरह से गोल गोल गुब्बारे की तरह फूल चुकी है। खाने में भी इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है दोस्तों। ये देखिए है ना मज़ेदार। हमारे सारे साबुदाना के वड़े अब तलकर रेडी हो चुके हैं, तो आइए मैं इसे निकाल लेती हूँ। अगर आप और ज़्यादा ब्राउन करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि वो और ज़्यादा ब्राउन होने से ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे, बट मुझे ऐसे ही पसंद है तो मैं अभी इसे निकाल रही हूँ प्लेट में। अब हम दूसरा बैच भी तल लेंगे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि मेरे आज की ये फुले हुए साबुदाने के वड़े की रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वन में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।